इंदिरा प्रियदर्शनी राज्य के स्नातकोत्तर महिला वाणिज्य महाविद्यालय हल्द्वानी में नवाचार क्लब के तत्वाधान में महाविद्यालय के प्राध्यापकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए वित्तीय साक्षरता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में वित्तीय प्रबंधन मामलों के जानकार बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शाखा प्रबंधक सुनील कुमार और उनकी टीम ने अपने अपने विचार रखे। इसके साथ ही वेतन भोगियों को वर्तमान में चल रही वित्तीय सुविधाओं से रूबरू करवाया गया। शिविर में नवाचार क्लब के नोडल अधिकारी डॉक्टर ऋतुराज पंत ने शिविर के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय उत्पादों की ज्ञान और समझ से है, जिससे कि व्यक्तियों को अपने पैसे, व्यक्तिगत वित्त, निवेश और कर योजना का प्रबंधन करने में मदद मिल सके। मुख्य वक्त और शाखा प्रबंधक महाराष्ट्र बैंक सुनील कुमार ने शिविर का प्राथमिक उद्देश्य व्यक्तियों को वित्तीय धोखाधड़ी और घोटालों से बचाना है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति जब जागरूक होंगे उसके बाद RBI एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा आने वाली सुविधाओं का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। इसके पश्चात उन्होंने वेतन भोगियों के लिए बैंक द्वारा चलाई जाने वाली सुविधाओं से सबको रूबरू करवाया। बीमा क्षेत्र की विशेषज्ञ अपूर्वा कपूर ने स्वास्थ्य बीमा के महत्व को बताते हुए वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट।